हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज संडे है तो संडे को कुछ स्पेशल नाश्ता बनाते हैं। तो आज मैं आपको ब्रेड और आलू सिर्फ दो चीज़ों से एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स बना के बताऊंगी, जो कि बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही कुरकुरे बहुत ही यम्मी बनता है ये नाश्ता और बहुत ही कम समय में बन जाता है। सिर्फ दो चीज़ों से ये नाश्ता, ब्रेड और आलू से बहुत ही अच्छा नाश्ता ये बनता है। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। और इसको बनाने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास आएँ। तो चलिए बनाते हैं आज बहुत ही एक यम्मी सा नाश्ता। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ब्रेड और आलू से बने स्नैक्स, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये स्नैक्स और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। तो आइए बनाते हैं इनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमें आलू का ये स्नैक्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए मैंने ये चार बड़े आलू बॉयल कर लिए हैं और इनको छील लिया है और ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है। तो ये मैंने आठ ली हैं, चार को मैं मिक्सी में ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी और चार इसमें भिगो के डालूंगी बाइंडिंग के लिए। और ये गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो आइए चलिए अब बनाते हैं ये स्नैक्स। तो ये जो ब्रेड मैंने रखी है इसको इस जार में डाल के और इसका एक महीन सा पाउडर बना लेंगे और आलूओं को तब तक हम मैश कर लेते हैं। और अब इन एक एक करके इन आलूओं को हम मैश कर लेते हैं इससे। ये सारे आलूओं को हम मैश कर लेंगे। ये आलू को मैंने मैश कर लिया है अच्छे से और ये ब्रेड को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और अब ये जो चार स्लाइस मैंने अलग रखे थे इनको मैं पानी में इस तरीके से डिप करके और बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहने पाए। और इसमें डाल लेंगे सारे ब्रेड। तो ये देखिए, ये चारों ब्रेड मैंने पानी में निचोड़ के इस तरीके से आलू में हाथ से ही मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। और ये इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा ही मिलाएंगे और ये गरम मसाला और ये आमचूर पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काटी थी वो भी डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये थोड़ा सा और डाल लेंगे ब्रेड का। ताकि ये हमारा एक अच्छा सा डो बन जाए। तो ये देखिए, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा एक डो बन के तैयार हो गया। और अब हम चल के बनाते हैं स्नैक्स को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हल्का सा हाथों को अपने और लगा के और इसको आप चाहें तो इस तरीके से गोल या फिर कटलेट का आकार देना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो ये गोलियां हम बना के रख लेते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। ठीक है, और इसमें अब मैं ये स्नैक्स को डाल दूँगी। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे स्नैक्स हमारे पक चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत गरम तेल में ही, जब अच्छे से तेल गरम हो जाए तब उसमें डालिए, और एक तरफ से हो जाए तभी इसको पलटिए। मेरा एक हल्का सा फूट गया था, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो ये फूट जाएगा, इसलिए जब एक तरफ पक जाए तभी अच्छे से इसको मैंने ये किचन टॉवल डाल के इसमें निकाल लिया है। ये वाला फट गया है थोड़ा सा, और अब मैं इसमें ये और जो बने हुए रखे हैं उनको डाल देती हूँ। इसी तरीके से ये सारे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुरकुरे से ब्रेड और आलू के स्नैक्स बनके तैयार हैं। और इनको आप टमाटो सॉस, चिली सॉस या हरी चटनी धनिया की किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आते हैं, तो आप भी इसको ट्राई करिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और मैं फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।